हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हमें सेवेंथ चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है, जिसमें हम लोग मैथ्स का सेवेंथ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको कवर करेंगे। और बच्चों, बहुत ही यकीन मानिए मेरा, बहुत ही इजी चैप्टरों में से एक है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है आपके लिए। ये सेकेंडों का खेल होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्लस और माइनस, बस और कुछ नहीं। अगर आपका प्लस माइनस बहुत स्ट्रांग है तो इसमें कभी भी जिंदगी में गलती होगी ही नहीं और गलत आंसर आएगा ही नहीं। तो आइए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। देख लेना बच्चों, ज्यामिति सही लिखा है? नहीं, मेरे को लग रहा है ऐसे होना चाहिए ना, ज्यामिति। अब ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिरकार बच्चों है क्या? आप लोगों ने नाइन्थ नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट निर्देशांक जो होता है वो कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई, यानी हमेशा एक्स वाला आगे वाई वाला पीछे, जिसमें एक्स वाले को कहा जाता था एबसिसा और वाई वाले को कहा जाता था ऑर्डिनेट। एबसिसा और वाई वाले को कहा जाता था ऑर्डिनेट। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, एफ सीसा और ऑर्डिनेट, इसे कहा जाता है हिंदी में क्या कहा जाता है इसे? भुज। एक मिनट बच्चों, ठीक है, इसे कहा जाता है बच्चों भुज और इसे कहा जाता है बच्चों कोटि। ठीक है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को कहा जाता है भुज एबसिसा और वाई कोऑर्डिनेट को कहा जाता है ऑर्डिनेट, यानी कि कोटि। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या होते हैं अगर आपको याद हो बच्चों? ये इस तरीके से क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, जो चार हिस्सों में बटे होते हैं, एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ठीक है, इधर वाले को एस डेक्स कहते हैं और इधर वाले को वाई डैश एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता है ओरिजिन, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं वो होता है ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु। ठीक है, और जब इसके इस तरफ जाओगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ऊपर जाओगे नेगेटिव वैल्यू, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेफ्ट ये लेफ्ट की तरफ आओगे नेगेटिव वैल्यू, और डाउन जाओगे तब भी नेगेटिव वैल्यू। इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाले सारे कोऑर्डिनेट प्लस प्लस के होते हैं, जबकि सेकंड में बनने वाले माइनस प्लस के होते हैं, इसके माइनस माइनस के होते हैं, जबकि इसके प्लस माइनस के होते हैं। अब बात यह आती है, चलो इनको तो आगे पीछे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ना दिख रहा है मुझे, लेकिन इसमें प्लस पहले, प्लस माइनस पहले और इसमें माइनस प्लस पहले, ऐसे इस तरीके से क्यों? क्या मैं इसको प्लस माइनस लिख दूं तो गलती होगी?
क्या मैं इसको माइनस प्लस लिख दूं तो गलती होगी? जी बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या सीखा है, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हमेशा पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं, यानी हमेशा पहले एफ सी सा भुज लिखा जाएगा बाद में आपका ऑर्डिनेट कोटी लिखा जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो माइनस है वो पहले एक्स एक्सिस वाले का है, जबकि जो प्लस है वो वाई एक्सिस वाले का है। यहाँ पे जो प्लस है वो पहले एक्स एक्सिस वाले का है और जो वाई है वो जो माइनस है वो वाई एक्सिस वाले का है। तो याद रखना बच्चों, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखने समय हमेशा हमें पहले एक्स एक्सिस वाले लेते हैं और बाद में वाई एक्सिस वाला लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये भी समझ लो कि भाई मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक यानी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब आपसे कह रहा है कि मुझे 5 3 बताओ कहाँ पे मिलेगा, तो बस भाई 5 3, तो 5 पहले लिया है तो x का, 3 बाद में नाम लिया है तो y का, तो 5 3 ये आपका पॉइंट आ गया 5 3। और यही जो पॉइंट होंगे वो कौन होंगे, निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो इस तरह के पॉइंट को क्रिएट करना ही कोऑर्डिनेट कहलाता है, और ये सब आप 9th में सीख चुके हो। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके, फिर मैं 7.1 शुरू करता हूँ। चलिए हो गया, वीडियो पॉज करके बस नोट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब क्या करना है हमें, ध्यान से सुनिएगा। अब 7.1 शुरू करने जा रहे हैं, और 7.1 के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, दूरी सूत्र, ठीक है जी, दूरी सूत्र। हाँ जी, क्या होता है दूरी सूत्र, क्या होता है दूरी सूत्र, तो लीजिए आपके सामने हाजिर है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों जैसे मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है ए बी, ये पॉइंट है आपके पास x1 y1 और ये पॉइंट है आपके पास x2 y2, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट, ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही बेसिक सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, और पूरा 7.1 इसी के बेस पे खत्म हो जाएगा, पूरा 7.1 इसी के बेस पे खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। चलिए हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको बच्चों दो पॉइंट दिए हुए हैं 2 3 एंड 4 1, ठीक है। लेट कीजिए, मानेंगे, माना ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, ए बी की दूरी। कैसे लिखेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो चलो अब बताओ, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं, अब जैसे ये लिखा हुआ है ना ए और बी, ठीक है, तो याद रखना हमेशा ये जो पीछे वाला होगा ना ये x2 y2 का होगा, जबकि जो आगे वाला होगा ना ये हमेशा x1 y1 का होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, पीछे वाला हमेशा x2 y2 को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि आगे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, x1 y1 को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x1 की वैल्यू बताऊं तो क्या है 2, और y1 की वैल्यू बताऊं तो क्या है 3, जबकि x2 की वैल्यू कितनी है 4 और y2 की वैल्यू कितनी है 1। तो निकाल लो AB का डिस्टेंस, हाँ जी निकालो, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर, y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, करो सॉल्व। 4 में से 2 गया बच्चों 2, 1 में से 3 गया -2, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, AB बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का भी 4, तो 4 + 4 8। और अगर अंदर के पार्टी को खोलना है तो आपको पता ही, फैक्टर करते हैं 2 4
टू 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 वन, जिसका पेयर बना उसे बाहर, जिसका पेयर नहीं बना उसे अंदर। अब यहाँ कोई सेंटीमीटर वगैरह तो दिया नहीं है, तो लिखेंगे यूनिट्स। क्या लिखेंगे? यूनिट्स। तो कितना बन गया? टू रूट टू यूनिट्स। क्या आ गया? टू रूट टू यूनिट्स। ठीक है बच्चों, नोट करो और मुझे जल्दी से सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट करके दिखाओ, ट्राई करो, अगर हो जाता है ठीक, नहीं तो मैं करा रहा हूं। ठीक है, चलो अब देखो इसका सेकंड पार्ट, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई करके देखा होगा पहले। सेकंड पार्ट देखो इसका, ठीक है जी। फिर से लेट करेंगे, मानेंगे कि ए जो है वो आपका -5 और 7 है, और बी जो है वो आपका -1 और 3 है। ये हमने मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है जी। अब जब मान लिया तो बात ही खत्म, तो चलो जी आगे काम करते हैं। हाँ जी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, यहाँ पर यही लिखोगे ना, ए बी की दूरी कैसे निकालोगे? x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले पता तो कर लो x1 है कौन। भाई x1 है -5 और y1 कौन है? 7। x2 कौन है? -1। y2 कौन है? 3। यही है ना। चलो निकालना जरा ए बी का डिस्टेंस बच्चों। हाँ जी, x2 कितना है? -1। x1 कितना है? -5। अब देखो ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है और ये खुद भी -5 है। तो याद रखना, जब भी माइनस के साथ माइनस का नंबर आ जाए, माइनस के साथ माइनस का नंबर आ जाए, तो बस वहां ब्रैकेट में इसको लेना पड़ेगा। किसमें लेना पड़ेगा? ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। बस इतने से आपको एक दिक्कत करनी पड़ेगी। y2 कितना है? 3, जबकि y1 कितना है? 7। तो ये देखो माइनस का नहीं है ना, तो इसको डायरेक्ट ले लो। हाँ जी, -1, माइनस माइनस, प्लस का 5, 3 में 7 गया -4। हाँ जी, 5 में से 1 जाएगा +4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर तो 16 ही होता है, और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो 16 + 16 आ गया √32। और 32 को अगर हम खोलते हैं बच्चों, तो 32 खुलेगा 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। जिन जिन का जोड़ा बन रहा है उनका बाहर कर दो एक एक, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा अंदर। तो 2 × 2 = 4√2 यूनिट्स। कितना आ गया? 4√2 यूनिट्स। करो नोटिस, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बच्चों कुछ ऐसा ही है, यहां पे भी लेट करो। मानो कि आपका जो ए पॉइंट है वो ए बी दे रखा है, जबकि बी पॉइंट है वो -A - B दे रखा है। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको पता ही है x1 कौन है? a, y1 कौन है? b, x2 कौन है? -A, y2 कौन है? -B। ठीक है, तो बस बात खत्म। ए बी का डिस्टेंस निकालो, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। हाँ जी, x2 कितना है? -a, x1 कितना है? a, y2 कितना है? -b, y2 कितना है? b। ठीक है, -a - a, -2a, -b - b, -2b। अब देखो, -2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और इसका b का b स्क्वायर। तो हाँ जी बच्चों, क्या कॉमन आ रहा है जल्दी बताओ? कॉमन आ रहा है दोनों के बीच में से 4, तो अंदर बचा a स्क्वायर + b स्क्वायर। अच्छा, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है जल्दी बताओ? ये होता है 2 का, तो 2√a² + b² तो ab की वैल्यू कितनी आ गई? 2√ab। क्या आ गई? 2√a² + b² करो, नोट करो इसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों पहले देखेंगे फोर्थ, फिर देखेंगे थर्ड। ये नोट कर लिया होगा आपने, अब इतना समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे कैसे अप्लाई करना है।
अब देखो बच्चों, पहले फोर्थ देखो, फिर थर्ड देख। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे क्या कहा है कि बच्चों आपको ना 3 पॉइंट दिए गए हैं और चेक करके बताओ क्या वो आइसोसेलेस ट्रेंगल है के पॉइंट्स हैं। अब पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रेंगल होता क्या है। देखो हिंदी में इसे कहा जाता है सम द्वि बाहु त्रिभुज। क्या कहा जाता है? सम द्वि बाहु त्रिभुज। अब सम द्वि बाहु क्या होता है भाई? सम द्वि बाहु मतलब क्या? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब दो भुजाएं, यानी कि दो भुजाएं जिनकी बराबर हो, ऐसे ट्रायंगल जिनके दो साइड्स आपस में बराबर हो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाते हैं। तो मतलब बच्चों हमें जो पॉइंट दिया गया है हमें इसे चेक करना है कि क्या इसकी दो साइड्स आपस में बराबर हैं। अगर दो साइड्स आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। चलिए तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। लेट द पॉइंट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ऑफ एन आइसो ठीक है आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रायंगल ए 5-2, बी 6-4 एंड सी 7-2। माना माना एक समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज की माना एक समद्वि बाहु त्रिभुज की के बिंदु हैं, के बिंदु हैं ए 5-2, बी 6-4 और सी 7-2। ठीक है चलो अपना आप एक ट्रायंगल बना ही लो लगे हाथ। तो ये ए पॉइंट मान लेना 5-2, ये बी पॉइंट मान लेना 6-4 और ये सी पॉइंट 7-2। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, अब हमें क्या करना है, मुझे निकालना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि दो साइड्स के डिस्टेंस आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास दो साइड्स हैं तो दो साइड्स आपस में डिस्टेंस में या लेंथ में बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा इसका तो लेंथ ही तो निकलेगी, डिस्टेंस निकालूंगा इसका तो लेंथ ही तो निकलेगी, डिस्टेंस निकालूंगा इसका तो लेंथ ही तो निकलेगी। तो बस बात खत्म, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लो। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी की दूरी हिंदी में क्या लिखेंगे? ए बी की दूरी x2-x1 का स्क्वायर प्लस y2-y1 का स्क्वायर। अब मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि कौन x2 है और कौन y2 है, कौन x1 है कौन y1 है। जो पीछे होगा वो x2 y2 होगा, जो आगे होगा वो x1 y1 होगा। बस तो बस b हमें बाद में मिल रहा तो x2 है 6, a हमें पहले मिल रहा तो x1 है 5 प्लस y2 4 माइनस, ये माइनस का 2 है तो ब्रैकेट में रखेंगे। मैंने बता दिया है कि जैसे ही माइनस और 2 माइनस एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट में ले लो। 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर 4, -2 +2, 1 का स्क्वायर 1 और 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो बच्चों ए बी आ गया √37 यूनिट्स, ये आ गया आपका ए बी। क्या आ गया आपका? ए बी। अब निकालो बी सी। नाउ हाँ जी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, हाँ जी, तो बी सी का डिस्टेंस में भी यही फॉर्मा लगेगा x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, अब जल्दी बताओ कि भाई अब की बार x2 y2 कौन है? c, x1 y1 कौन है? b, बस लगाओ भाई। हाँ जी, तो बी सी, हाँ जी, तो यानी कि c रहेगा x2 y2, यानी 7-6 और इसमें -2 -4 का स्क्वायर। तो बी सी 7 में 6 गया 1 का स्क्वायर, -2 -4 -6 का स्क्वायर बी सी, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो भाई बी सी की वैल्यू आ गई √7। अब कुछ बच्चे हो जाएंगे बहुत ज्यादा खुश
कि भाई BC और AB भाई दो साइड्स बराबर आ गई, चल ठीक है आइसोसेलेस ट्रायंगल, बच्चे यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी गलती मत कर देना, क्यों? क्योंकि बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो भाई हमने भी सिर्फ दो साइड्स निकाली हैं, तीसरी साइड भी अगर मान लो बराबर आ गई तब तो इक्विलेटरल हो जाएगा, तो इसलिए तीसरी भी चेक करनी पड़ेगी। तो नाउ अब क्या निकालेंगे, नाउ डिस्टेंस ऑफ CA माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो भाई CA का डिस्टेंस निकालेंगे तो एक्स टू कौन होगा A यानी 5, एक्स वन कौन होगा 7, वाई टू कौन होगा माइनस 2, वाई वन कौन सॉरी हाँ वाई वन कौन होगा ये माइनस 2, तो भाई इसको भी रखेंगे ब्रैकेट में। 5 में 7 गया माइनस 2 और ये माइनस 2, माइनस माइनस प्लस का 2, भाई माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस माइनस प्लस तो 0 बन गया। तो CA कितना आ गया अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 क्या होता है 2 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमने देखा यानी हमने क्या देखा कि AB जो है वो बराबर है BC के लेकिन बराबर नहीं है CA के। तो इसका मतलब दो साइड्स ही आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जल्दी से नोट करो बच्चों। ठीक है, ये नोट कर लिया। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 और 6 बाद में, पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। छुड़वा नहीं रहा हूं, मतलब करवाऊंगा पूरे, लेकिन पहले वो करवा रहा हूं जो आपके सबसे ज्यादा आसान। क्योंकि उन सबके कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग हैं, तो पहले कंसेप्ट कराऊंगा वो, लेकिन इसमें कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई और खत्म कहानी। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा था मैं, सेवंथ, सिक्स्थ भी कराऊंगा थर्ड भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना ठीक है, लेकिन पहले सेवंथ कर लो। सेवंथ में क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि भाई आपको ना दो पॉइंट दिए गए हैं। मान लो A पॉइंट दिया है आपको 2 और -5, और B पॉइंट दिया गया है आपको -2 और 9। अब एक डायलॉग सुनो पहले कि भाई अपने अपने इलाके में सबकी भाई अपनी पहुंच होती है, सही बात है, और अपनी दादागिरी चलती है कि हाँ जी किस तरह की दादागिरी, कि हाँ भाई मेरे को बहुत लोग जानते हैं, अगर कुछ हो गया तो मुझे बचा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत लोगों के होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सोचना सही है, अब कोई बाहर का इंसान आके किसी को डराएगा धमकाएगा कहेगा पैसा छीनेगा तो ये तो बहुत गलत बात है भाई, तो उसके आस पड़ोस वाले ही उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक बात याद रखना कि जैसे हमने ये बना दिया क्वाड्रेंट, हमने क्या बना दिया क्वाड्रेंट, ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ये आपको पता वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में वाई का राज नहीं चल सकता और वाई एक्सिस में एक्स का राज नहीं चल सकता। तो कहने का मतलब कि अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेता हूं तो हमेशा एक्स की कोई वैल्यू तो होगी लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसी तरह अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो y तो हमेशा कुछ ना कुछ होगा लेकिन x की वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो। तो अब याद रखना भाई कि x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो और y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू जीरो होती है, हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों एक नया क्वेश्चन। क्या आपसे बोला गया A पॉइंट और B पॉइंट है मान लीजिए, और इससे इससे बिल्कुल बराबर दूरी पे एक पॉइंट मान लो P, 2
दोनों से बराबर दूरी पे, यानी जितनी दूरी पे ए पी से है उतनी दूरी पे बी पी से है। और ये जो पॉइंट पी है ना भाई, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। क्या बोला आपसे कि ये जो पॉइंट पी है ये आपका किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस का मतलब, लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। बस इतनी सी बात है, तो बस लिख दो, लेट द पॉइंट्स आर ए टू माइनस फाइव कॉमा बी माइनस टू एंड बी माइनस टू नाइन एंड ठीक है कॉमा, सो पॉइंट पी या हिंदी में लिख लो माना माना बिंदु है ए इतना बी इतना, ठीक है ए टू माइनस फाइव और बी माइनस टू नाइन, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम लोग क्या भाई, एंड द पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस तथा बिंदु पी एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, क्या कि भाई जो पी पॉइंट है वो ए और बी से सम दूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस पे है, किस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो बस एपी बराबर किसके होगा, बीपी के। क्यों, क्योंकि खुद क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस में है, तो इक्वी डिस्टेंस पे तो एपी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, एपी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और फिर बीपी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। और बच्चों आपको पता ही है सामने का रूट सामने के रूट से कैंसिल हो जाएगा बड़े प्यार से, ठीक है। अब यहां पे x2 x1 जो है वो कौन है, ap के हिसाब से देखेंगे तो p बाद में, ये x2 y2, a पहले, ये x1 y1, तो ये क्या हो गया x माइनस टू का होल स्क्वायर और y2 कितना है, जीरो माइनस y1 कितना है, माइनस फाइव का स्क्वायर। x2 माइनस x1 भाई, x2 कितना है, माइनस का, हाँ जी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब bp के हिसाब से देखेंगे तो p x2 y2 और x1 y1 b, तो p भाई कितना, x2 का x, x1 कितना, माइनस का 2, आपको पता है माइनस के बाद माइनस है इसलिए ये। y2 कितना है, y2 है 9, सॉरी y2 p का है ना 0 और y1 कितना है 9। चलिए बच्चों अगर इसको गौर से देखोगे तो ये आपको a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो खोलो जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस पांच का स्क्वायर लग रहा है, ठीक है जी। फिर ये बराबर एक्स, माइनस माइनस प्लस का टू लग रहा है और ये माइनस का नाइन लग रहा है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स और प्लस पांच का स्क्वायर पच्चीस। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और नाइन का स्क्वायर 81। तो एक्स स्क्वायर, हाँ जी, प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स प्लस 81। हाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल आउट, प्लस का फोर प्लस का फोर कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे भाई, ये प्लस का फोर एक्स है उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का फोर एक्स हो जाएगा, प्लस का 25 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, फोर और फोर माइनस का 8x, 81 से 25 गया कितना बचा 56, माइनस 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, और 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई -7, तो हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज, सो द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, हाँ भाई तो x एक्सिस पे पॉइंट क्या मिला हमें, x की वैल्यू -7, 0। तो हिंदी वाले लिखेंगे इस प्रकार पॉइंट, इस प्रकार x अक्ष पर पॉइंट है -7 और 0, x अक्ष पर बिंदु है -7 और 0। नोट करो इसे, नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 8,
चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है आइए। क्वेश्चन नंबर एट बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, अच्छा वाई वैल्यू निकालनी है और दो पॉइंट हमें पहले ही दे रखे हैं बच्चों, दो पॉइंट हमें पहले ही दे रखे हैं। पी पॉइंट दे रखा है 2-3 और क्यू पॉइंट दे रखा है हमें 10, y। ये कह रहा है हमें ये दो पॉइंट दिए हुए हैं और इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी हमें पहले से ही गिवन है 10 यूनिट्स, 10 इकाई। मतलब अब तक हम डिस्टेंस निकाल रहे थे, अब हमें क्या है डिस्टेंस पहले से ही दिया है। कह रहा भाई पॉइंट निकाल के दिखाओ, लेकिन फिर भी हमें बच्चों जो फॉर्मूला यूज करना है वो डिस्टेंस वाला ही करना है। क्यों? क्योंकि जब गिवन ही डिस्टेंस है तो यूज तो डिस्टेंस का ही फॉर्मूला करेंगे। तो चलिए, हाँ जी, द गिवन पॉइंट्स आर, पॉइंट्स आर, हाँ जी, पी 2-3 एंड क्यू 10, y। दिए गए बिंदु हैं पी 2-3 और क्यू 10, y। ठीक है, नाउ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ये पहले से ही कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, पी क्यू की दूरी कितने दी गई है 10 यूनिट। अच्छा पी क्यू की अगर दूरी है तो भैया फॉर्मूला तो यही लगेगा, x2-x1 का स्क्वायर + y2-y1 का स्क्वायर √10। ठीक है, अच्छा अब लगाओ जरा फॉर्मूला अंडर रूट, हाँ जी, x2 किसका होगा, x2y2 किसका होगा, q का, x1y1 किसका होगा, p का। तो लगाओ भाई 10 हाँ जी 10 किसका, q का, और x1 2, y2 किसका, हाँ जी y2 किसका, q का, y1 किसका, हाँ जी p का, लेकिन माइनस का 3 है तो ब्रैकेट में रखेंगे 10। अंडर रूट 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस का 3 स्क्वायर बराबर 10। अब यहां पर से मेरे को रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है जी, तो कीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, अंडर रूट 8 का स्क्वायर तो 64 होता है और यहां पर आएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट, हाँ जी कट गया तो बचा क्या 64 प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर क्या है 100, 64 हाँ जी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100। तो 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6y और ये 100। अब देखो ये आ गया आपका बच्चों y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 कितना होता है 27 और प्लस का 100 इस तरफ आके क्या बन जाएगा माइनस। ये आ गया बच्चों y स्क्वायर 6y, प्यारे बच्चों 100 में से 27 माइनस करेंगे, सॉरी 64 और 9 होता है 73 और 100 में से 73 माइनस करेंगे 27। अब सही है, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट ले लिया क्योंकि करा करा के ना ये सारे पूरे क्वेश्चन मेरे को टिप्स पे आ गए हैं तो इस वजह से। अच्छा अब ये देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फैक्टर बनाएंगे तो भाई 27 का फैक्टर बनेगा 9 और 3, क्या बनेगा 9 और 3, 9 3 जा 27 और 9 में से 3 माइनस करूंगा तो 6 आ ही जाएगा, तो 9y-3y क्योंकि मुझे प्लस का 6 चाहिए इसलिए 9 प्लस का 3 माइनस का, और भाई 27 क्या है 9 × 3, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है y, तो y प्लस 9,
इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस आ रहा है और एक थ्री आ रहा है। तो जब माइनस कॉमन निकाल लोगे तो वाई भी प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लोगे तो नाइन भी प्लस का हो जाएगा। सॉरी, वाई प्लस नाइन और वाई माइनस थ्री बराबर जीरो। तो एक बार y प्लस नाइन को जीरो के बराबर, एक बार y माइनस थ्री को जीरो के बराबर। तो y की वैल्यू एक तो आई माइनस का नाइन, प्लस का नाइन इधर आके माइनस, और एक y की वैल्यू आई माइनस थ्री इधर आके प्लस। ठीक है बच्चों, तो y की एक वैल्यू आ गई नाइन और y की माइनस नाइन, और y की दूसरी वैल्यू आई थ्री। ठीक है, तो ये है y की वैल्यू। फटाफट नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर एट हो गया, फिर अब नाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नोट कर लिया होगा। इसके बाद बच्चों मैं सोच रहा हूं स्टैट्स करवा दूं, या एट्थ करोगे, जो सही लगेगा देख लेंगे, कर लेंगे भाई, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, कह रहा है कि Q इज द इक्विडिस्टेंस। देखो फिर से वही क्वेश्चन है बच्चों, इक्विडिस्टेंस वाला, समझ रहे हो। ठीक है, कि Q जो है इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, किससे, P और R पॉइंट से Q इक्विडिस्टेंस पे है, तो बताओ X की वैल्यू क्या है। इतनी सिंपल था, ये तो बहुत सिंपल है यार। कह रहा है ये P पॉइंट है, फाइव और माइनस थ्री, और आर पॉइंट है एक्स और सिक्स। कह रहा है क्यू इससे इक्विडिस्टेंस पर है, जो कि जीरो वन है। इक्विडिस्टेंस मतलब पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है। कह रहा पहले ये निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो, फिर हम आगे की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है भाई, पी क्यू के भी, यानी पी क्यू भी जो क्यू है वो इक्विडिस्टेंस दे रखा पी से भी और आर से भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे द गिवन पॉइंट्स आर, द गिवन पॉइंट्स आर, हमें पी पॉइंट दिया हुआ है पांच माइनस तीन, क्यू पॉइंट दिया हुआ है जीरो वन, एंड आर पॉइंट दिया हुआ है एक्स कॉमा सिक्स। दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं, क्या है बिंदु, P 5 माइनस 3, Q 0 1 और R x कॉमा 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, हाँ जी बच्चों, तो क्या है प्रश्न अनुसार, कि PQ जो है वो बराबर है RQ के। तो ठीक है जी, अंडर रूट
एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल। हाँ जी, यहाँ पे एक्स टू वाई टू कौन है? क्यू। एक्स वन वाई वन कौन है? पी। तो लगाओ जरा फॉर्मूला, एक्स टू जीरो, एक्स वन पांच, वाई टू वन, वाई वन कितना? माइनस थ्री। तो आपको पता ही है, माइनस के साथ माइनस है, ब्रैकेट में रखेंगे। हाँ जी, अब आता आर क्यू। अब आर क्यू है तो एक्स टू वाई टू कौन होगा? क्यू। और एक्स वन वाई वन कौन होगा? आर। तो लगाओ भाई जरा, एक्स टू कितना है? जीरो माइनस एक्स वन कितना है? एक्स। वाई टू कितना है? वन। और ये कितना है? सिक्स। तो ये आ गया भाई माइनस फाइव का स्क्वायर और ये आ गया वन माइनस माइनस प्लस थ्री का स्क्वायर। ये आएगा जीरो माइनस एक्स का स्क्वायर और एक में से छह गया माइनस पांच का स्क्वायर। पांच का स्क्वायर पच्चीस, तीन और एक चार का स्क्वायर बच्चों होता है सिक्सटीन। एक्स स्क्वायर रहेगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी फाइव कैंसिल। तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर बराबर सिक्सटीन। बच्चों आपको पता है स्क्वायर उस तरफ जाके बनेगा अंडर रूट और रूट से 16 बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 4। पता है ना कि ये बात हमने फोर्थ चैप्टर सेकंड चैप्टर दोनों में सीखी है कि जब भी कोई नंबर रूट से बाहर निकलेगा तो वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं। लेकिन एक्स आ गया, अब कह रहा है तो इसका मतलब आर के बच्चों दो पॉइंट बनेंगे। कौन कौन से? एक पॉइंट तो बनेगा फोर और सिक्स, ठीक है, फोर और सिक्स, और दूसरा पॉइंट बनेगा माइनस फोर और सिक्स। क्यों बनेगा? क्योंकि बच्चों आपको x की दो वैल्यू दी गई है, एक प्लस की और एक माइनस की। अब उसने आपसे बोला है कि भाई इसमें ना डिस्टेंस निकालो। इसमें क्या निकालो? डिस्टेंस। किस किस का डिस्टेंस? पहले कह रहा है क्यू आर का डिस्टेंस। चलो जी ठीक है, क्यू और आर का डिस्टेंस निकालो, लेकिन आर के तो कितने पॉइंट निकले? दो पॉइंट। तो एक बार आप इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालो और दोबारा क्यू आर फिर से निकालो इस पॉइंट से, ठीक है। इसी तरह आप कह रहा पी आर निकालो, तो भाई जब आप पी आर निकालोगे तो पी आर भी दो बार निकालोगे। कैसे? भाई पी तो यही रहेगा पॉइंट, लेकिन आर का एक बार ये ऊपर वाला पॉइंट यूज करना है और एक बार नीचे वाला पॉइंट यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला और करके दिखाओ। नोट करो बच्चों इसे, और उम्मीद करता हूं कि QR 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 का R का एक बार 4-6 से और एक बार माइनस 4-6 से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालो, ठीक है। हाँ भाई, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बच्चों बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। वैसे कुछ को है नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? कह रहा भाई, अरे लो, इतना आसान तो क्वेश्चन है ये। कह रहा आपको पहले से ही ना दो पॉइंट दिए हुए, आपको पहले से ही दो पॉइंट दिए हुए। ए पॉइंट लेट कर लो 3-6, बी पॉइंट लेट कर लो माइनस 3 और 4, और कह रहा है कि ए बी के बीच में कोई पॉइंट दिया हुआ, मान लो पी, जो कि सिर्फ और एक्स और वाई है, जो सिर्फ क्या है? एक्स और वाई। और पहले ही बता दिया है कि ए पी और बी पी इक्वी डिस्टेंस है,
एपी और बीपी आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, सब कुछ पहले से ही बता दिया है। तो कह रहा है बताओ इनके बीच में क्या रिलेशन है, बात खत्म। एपी का डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी का डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। आपको अच्छे से पता है रूट से रूट कैंसिल, लेकिन यहां पे एक्स टू वाई टू कौन है पी और एक्स वन वाई वन कौन है ए, तो लगाओ फॉर्मूला एक्स टू का एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर वाई टू वाई माइनस सिक्स का स्क्वायर। इसमें एक्स टू कितना है एक्स, एक्स वन कितना है माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस का थ्री, वाई टू कितना है वाई और वाई वन कितना है फोर, तो लो भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लगाओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर। इसी तरह इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसी तरह इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो सब में बच्चों हमने फॉर्मूला रटा रटाया फॉर्मूला लगा दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया नाइन, ये बन गया सिक्स एक्स और ये बन गया वाई स्क्वायर, ये बन गया थर्टी सिक्स, ये बन गया ट्वेल्व वाई। फिर इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का नाइन सिक्स एक्स वाई स्क्वायर सिक्सटीन, फोर टू जा एट वाई, जो कटे काटो जो नहीं कटे वो नहीं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, प्लस के नाइन से प्लस का नाइन कट गया, कट गया तो बात ही खत्म। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस सिक्स प्लस थर्टी सिक्स माइनस ट्वेल्व, यहाँ क्या बचा सिक्स प्लस सिक्सटीन माइनस एट वाई, खत्म। ये सारे माइनस क्या उठा के उधर ले जाओ या इनको उठा के इधर ले आओ, आपकी मर्जी है। तो माइनस का सिक्स एक्स बच्चों इधर आके प्लस का थर्टी सिक्स इधर आके माइनस का ट्वेल्व वाई उधर आके प्लस का, तो बस लिख दो सही से। हाँ भाई सिक्स एक्स सिक्स एक्स ट्वेल्व एक्स, भाई ट्वेल्व वाई प्लस का एट वाई माइनस का, तो ट्वेल्व में से एट गए प्लस का फोर वाई, थर्टी सिक्स माइनस का सिक्सटीन प्लस का, तो माइनस करेंगे माइनस का ट्वेंटी, बराबर कौन है जीरो। तो यही रिलेशन है इनके बीच में, इनके बीच में यही रिलेशन है, ट्वेल्व एक्स प्लस फोर वाई माइनस क्या है बच्चों ट्वेंटी। तो इस प्रकार से बच्चों आपका 7.1 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, दो क्वेश्चन और रह रहे हैं लेकिन उसके कंसेप्ट अभी बाकी हैं, तो पहले कंसेप्ट कराऊंगा फिर उन दो क्वेश्चनों को करवाऊंगा। तो फिलहाल बच्चों आप यहां तक के सारे क्वेश्चंस को कवर कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं उन दोनों क्वेश्चन को खत्म करा के 7.2 शुरू करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।